Hey guys, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me, you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow me on my Instagram page. And if you want some notes or some PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. Guys, even before this I have uploaded many videos of important question, but I made those videos at the time when new MBA started. Then at that time we didn't have any previous year question papers and a lot of changes in old MBA to new MBA. So at that time I made videos of important question by designing old MBA 10 year question papers. Those videos are very important. If anyone wants A grade, then you guys can watch that videos, because on videos I have made 10 year question paper was made by analyzing well and which is repeatedly every year. Now let's talk about this video. This video is new design based on new exam review, and these videos have been designing, and in this video only those questions which are appearing in recent exams, because this time new MBA 3 times exams are done. Here I decided I should upgrade these videos, that's why there are newly designed videos. Okay, so intro has become very longer and you must have gotten bored while listening, but it was very important to discuss all these things. You should know. Okay, so without wasting any time, let's get started. करते हैं MMP 09 से, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल. तो यहाँ पे पूरा ब्लॉक लिखे हैं आपके और चैप्टर्स लिखे हैं, पूरा मटेरियल यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो अच्छे से. देन उसके बाद है शॉर्ट नोट्स, और ये वो वाले शॉर्ट नोट्स है जो अभी रिसेंट एग्जाम में आए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हो. देन उसके बाद ये है ब्लॉक नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू एंड फैसिलिटीज प्लानिंग. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जो कि है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू. तो इसमें से क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो, और जो जो मैंने हाईलाइट्स किया है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है. तो ये था फर्स्ट चैप्टर. देन उसके बाद है सेकंड चैप्टर. और जो आपके चैप्टर के एंड में कीवर्ड्स लिखे रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ना सम टाइम आपको बुक से डेफिनेशन समझ में नहीं आती, तो आप लोग ना बैक में जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे बहुत सिमिलर बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी रहती है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ के अच्छे से आइडिया लगा सकते हो और देख सकते हो मतलब पीछे भी इनको. ठीक है, यहाँ पर है यूनिट नंबर 2, जो कि है प्रोडक्ट सेलेक्शन एंड प्रोसेस सेलेक्शन. देन उसके बाद है यहाँ पे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एक है प्रोडक्ट सिलेक्शन से और दूसरा है फ्लो प्रोसेसिंग से. ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेसिंग को ही यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है फ्लो प्रोसेसिंग, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. देन ये था आपका सेकेंड चैप्टर. उसके बाद है थर्ड चैप्टर. सो ये है आपका यूनिट नंबर 3, जो कि है फैसिलिट लोकेशन. तो इसमें से एक क्वेश्चन आया है टर्म फैसिलिटी लोकेशन का, और इसमें से जो ये है 3.5 का लोकेशनल ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपको देख लेना है, और ये आपने ना अकाउंट्स में भी पढ़ा है. ठीक है, ऐसे ही टॉपिक्स फोर्थ सेम तक रिपीट होते रहते हैं, कोई टॉपिक आपको कहीं मिल जाएगा और कोई टॉपिक आपको किसी और सब्जेक्ट में मिल जाएगा. तो ब्रेक इवन एनालिसिस आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है 04 में. देन उसके बाद ये है यूनिट नंबर 4, जो कि है फैसिलिटीज़ लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग. तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है प्लान लेआउट का फैक्टर एंड मटेरियल हैंडलिंग के सिस्टम. इसमें से अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकता है मे बी. ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर. सो यहाँ से ब्लॉक नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि है ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल. सो ये है आपका यूनिट नंबर 5, जो कि है प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर मास प्रोडक्शन. तो इसमें से क्वेश्चन बना है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास प्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन. ठीक है, और जो ये वाला जो क्वेश्चन है लाइन बैलेंसिंग मेथड, ये आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल जाएगा.
देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो कि है यूनिट नंबर 6 प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर बैच प्रोडक्शन. ठीक है, तो इसमें है इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ बैच प्रोडक्शन एंड द लाइन ऑफ बैलेंस. ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल जाएगा. ठीक है, और इसमें है डिस्टेंस बिटवीन मास प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन. ये आप लोग देख लेना कौन से क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बट लिखने का मतलब ये था कि ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. ठीक है, एग्जाम में आया है. देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये है आपका यूनिट नंबर 7 जो कि है प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर जॉब शॉप प्रोडक्शन. सो जॉब शॉप प्रोडक्शन का एक शॉर्ट नोट्स आया था ऊपर, शॉर्ट नोट्स में आप देख सकते हो. बाकी इसमें से तो कुछ आया नहीं है और आप चाहो तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो. देन उसके बाद है यूनिट नंबर 8. इसको मैं मे बी हाईलाइट करना भूल गई हूँ. यूनिट नंबर 8 प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट्स. ठीक है, इसमें से आपका इम्पोर्टेंट बनता है क्रिटिकल पाथ मेथड एंड PERT. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आता है एग्ज़ाम में और इन दोनों का डिफरेंस आया भी है एग्ज़ाम में. ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई होंगी बट आप लोग याद रखना इन दोनों का डिफरेंस आपको करना है. देन उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर. देन उसके बाद है ब्लॉक नंबर 3 कैपेसिटी प्लानिंग वर्क एंड जॉब डिज़ाइन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग. देन ये है आपका यूनिट नंबर 9 कैपेसिटी प्लानिंग. तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है डिफाइन द टर्म्स कैपेसिटी एंड कैपेसिटी प्लानिंग एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है. और गाइस जब आप वीडियोस देखना स्टार्ट करते हो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वीडियोस को एंड तक देखा करो क्योंकि आप लोग पूरा नहीं देखते हो और बीच में जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो लिखना स्टार्ट कर देते हो. तो आप वीडियो को पूरा देखा करो. सो ये है आपका यूनिट नंबर 10 जो कि है वर्क एंड जॉब डिज़ाइन. तो इसमें से मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट एंड वर्क स्टडी एप्लीकेशंस ये आपको शॉर्ट में भी मिल जाएंगे और लॉन्ग में भी मिल जाएंगे. बाकी वैल्यू इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, देन उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर. का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 वैल्यू इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी अश्योरेंस. तो जो ऊपर क्वेश्चन मैंने लिख दिया ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू इंजीनियरिंग का, तो उसको आप यहाँ पे लिख लेना. ठीक है, वो जो क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर से है, वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्लान. ठीक है, इसमें से बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. देन उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर. यहाँ से आपका ब्लॉक नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा जो कि है मटेरियल मैनेजमेंट. ये है आपका यूनिट नंबर 12 जो कि है परचेज सिस्टम एंड प्रोसेसर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो इसमें से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर देना. देन उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर. सो ये है आपका यूनिट नंबर 13 स्टैंडर्डाइजेशन कोडिफिकेशन एंड वेराइटी रिडक्शन. तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कोडिफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो आपको कोडिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ लेना है. देन उसके बाद है लास्ट चैप्टर जो कि है वेस्ट मैनेजमेंट. तो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू रिसोर्सेज मैनेजमेंट. तो इसको आप शॉर्ट नोट्स में, अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट वैसे भी सबको पता होता है तो आप इसको बना के भी लिख सकते हो.
ठीक है, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद और आपके एग्ज़ाम्स होने के बाद जब आपको लगता है ना कि इन वीडियोस से आपकी हेल्प हुई है, थोड़े मोड़े जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपके एग्ज़ाम में आया है, तो आप लोग ना एग्ज़ाम के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि हाँ मैम, आपने जो क्वेश्चन बताए हैं उनसे हमारी हेल्प हुई है। तो आपके बताने से ना दो काम होंगे, एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो आप लोगों के काम आ रहा है, और बाकी सेकेंडली जब आपके कमेंट्स बाकी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनको भी हेल्प होगी कि हाँ थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियोस, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में बहुत हेल्प होती है, सॉरी बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो को बनाने में। और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक से और आपके कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो आज मैंने डिस्कस किया MMPSC 09 का। लास्टली, इफ माई वीडियोज आर हेल्पफुल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।